हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिंह एंड वेलकम टू योर चैनल फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मेथड होता है क्यूरिंग के, वो क्या मेथड, क्या क्या मेथड होते हैं क्यूरिंग के। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी मेथड ऑफ क्यूरिंग के ऊपर, तो उसमें जो मैंने बताया था वही सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं मेथड ऑफ क्यूरिंग क्या होते हैं, हमारे मेथड ऑफ क्यूरिंग कंप्लीट करने के क्या मेथड होते हैं, कितने मेथड होते हैं, कौन कौन सा मेथड किस किस तरीके से हमारा क्यूरिंग वर्क करता है विद इमेज के साथ, और उसको एक्सप्लेन करूँगा जो कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं जिस जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं इमेज बताऊँ, इमेज भी दिखाऊंगा, उसके साथ में क्या होगा, आपको हर क्यूरिंग का इमेज आपको देखने के बाद माइंड में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी क्यूरिंग, किस टाइप की क्यूरिंग किस तरीके से की जाती है उन साइट पर। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मेथड ऑफ क्यूरिंग के बारे में। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट वेस्ट टाइम चलते हम अपनी वीडियो पर। ठीक, तो जिस तरह मैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड क्यूरिंग है तो इस कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होते हैं, तो हमने यहाँ लिख रखा है मेथड ऑफ क्यूरिंग कंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि पहला जो हमारा मेथड आता है वो हमारा आएगा सेटिंग कंक्रीट वर्क। सेटिंग इसमें क्या होगा हमारा कि हम क्या होते हैं, इसमें जो हमारी कंक्रीट होती है उसकी सतह को, सरफेस को ढक देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये जो हमने लिखा है कि हमारा कंक्रीट साइडिंग वर्क होता है, इस वर्क में क्या होता है हमारा, इस क्यूरिंग में क्या होता है, जो कंक्रीट साइडिंग वर्क क्यूरिंग होती है, क्यूरिंग हमारे इस क्यूरिंग में क्या होता है, हम क्या होता है, जो कंक्रीट का सरफेस होता है उसको हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, अब ढकने के बाद इसका जो ये इसमें जो इसका पर्पज़ होता है, हमारा पर्पज़ ये होता है कि जैसे काफ़ी बड़ी कंक्रीटिंग की, काफ़ी लार्ज कंक्रीटिंग करी गई है, जैसे कि हमारा काफ़ी बड़ा लॉन्गेस्ट लैब है या फिर हमारा कोई रोड वर्क होता है। रोड वर्क में क्या होता है, आपने देखा होगा कि उसको ढक दिया जाता है, कवर से कर दिया जाता है, यानी कि आप ये वाटर प्रूफिंग पॉलीथिन भी बोल सकते हैं उसको, या आप कोई जूट बैग बोल सकते हैं, गनी बैग बोल सकते हैं, उसको भी हम हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उस पर हम कवर कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो पानी है वो सनलाइट से इवोपरेट नहीं हो पाएगा, जो पानी जो है वो इवोपरेट नहीं होगा तो वहाँ पर पानी बना रहेगा, इससे होगा हमारी कंक्रीट या कोई भी स्ट्रक्चर उसमें क्यूरिंग हमारी बरकरार रहेगी। तो इसका जो मेथड होगा वो हमारा इसमें सेटिंग कंक्रीट वर्क होता है। ठीक है, क्यूरिंग वर्क होता है। दूसरा हमारा देखिए, जो दूसरा है हमारा, वो हमारा है वाय वेट गनी वेट। इसमें क्या होता है, हमारा इस वाले मेथड में होता है कि देखा आप जैसे कि इमेज में दिख रहा है आपको, हमें कॉलम है, ये जो हमारा मेथड होता है, हमारे ये हॉरिजॉन्ट वो सॉरी वर्टिकल या स्लोप के केस में हमारे से यूज़ करते हैं। हमने क्या करा, हमारे गनी बैग जो होते हैं, बोरी जिसको हिंदी में बोलते हैं, हमने इसको बांध दिया है, उसमें क्या होता है, हमने इस पर पानी डाला है। ठीक है, तो पानी डालने से क्या होगा, हमारा एक पाइप के थ्रू पानी डाला गया आपको जिस तरह से इमेज में दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, पानी जो होता है काफ़ी समय तक बना रहता है बोरी में या गनी बैग में, तो इसके कारण क्या होता है, हमारे जब पानी वो हमारा एब्जॉर्ब रहता है, एब्जॉर्ब के कारण हमारी कंक्रीट को जो है वो काफ़ी समय तक मॉइस्चरनेस यानी कि नमी प्राप्त होती है, इसके कारण क्या होता है, हमारे कंक्रीट में क्यूरिंग स्लोली स्लोली मिलती रहती है और लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, ये हमारा जूट जो हमारा गनी बैग हो गया। तीसरा आपको दिख रहा है स्प्रिंकलिंग, तो थोड़ी राइटिंग ऐसी है, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हमारा ये होता है कि जब हम कोई भी कंक्रीटिंग जो भी कोई कंक्रीट सरफेस है, जब हम स्प्रिंकलर छिड़कते हैं पानी को छिड़कना, इस केस में हमारे पास पानी की जो है काफ़ी ज़्यादा पानी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोर होता है, इस चक्कर में हम इसको हम करते हैं, क्योंकि इसकी जो पानी की लिमिटेशन होती है वो थोड़े ज़्यादा होती है, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास पानी साइड पर ज़्यादा है तो हम इसके ये केस हम इसमें या ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट को क्यूरिंग करने के लिए। इसमें हम पानी के थ्रू, हम पाइप के थ्रू या आपको कोई स्प्रे के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें पानी कंक्रीट पे हम सरफेस पे पानी देते हैं, इससे क्यूरिंग हम करते हैं। तो इस केस में हमारे पास पानी जो होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए हम इसको करते हैं। जब ऑन साइट पर हमारे पास पानी ज़्यादा रहेगा तो हम इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं क्यूरिंग करने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है आप देख सकते हैं, आप समझ रहे होगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। हमारा फोर्थ मेथड आ जाएगा पॉन्डिंग।
देखिए पाउंडिंग पाउंडिंग मेथड जो है हम कब यूज़ करते हैं, देखिए जैसे कि हमारा कोई मान लीजिए कि हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमने आज कॉलम का हमने हमारा स्लैब कास्ट हो गया है। अब स्लैब कास्ट होने के बाद 24 घंटे बाद हम द्वारा स्लैब जो वो थोड़ा अपनी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ हार्डनेस जो गेन कर लेगा, उसके बाद क्या होगा हमें उसमें स्लैब के और पास क्या करेंगे, जो मिट्टी होती है या फाइन साइड रेत से हम इसको डोल बना देंगे, डोल यानी कि इसको और पास से कवर कर देंगे। फिर बीच में हम पैनल बना देंगे, पैनल जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है स्लैब में, पैनल बनाने के बाद उसमें पानी भर देंगे। अब वो पानी जो काफ़ी समय तक एक पैनल एक पर्टिकुलर स्पेस पर पानी भरा रहेगा, उसके बाद क्या होगा हमारे स्लैब या फिर हमारे रोड या कोई भी स्ट्रक्चर है जो हॉरिजॉन्टल है उसमें पानी की मात्रा बनी रहेगी और हमारी क्यूरिंग जो है वो होती रहेगी। तो ये हमारा पाउंडिंग का मेथड है, इस तरीके से हम क्यूरिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेम्ब्रेन क्यूरिंग। देखिए मेम्ब्रेन क्यूरिंग में क्या होता है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग में जो होता है हमारा, जैसे कि हम एक बहुत बहुत मिनिमम थिकनेस की एक पॉलीथीन होती है या वाटर प्रूफिंग शीट होती है, उसमें क्या होता है हम पानी को जो कंक्रीट होती है उसमें पानी फिल करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं उसको बिछा देते हैं, बहुत माइन होती है लेकिन वो थोड़े वाटर प्रूफिंग होती है। उसके क्या उसका उसका कारण क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई सनसेट पड़ रही है या फिर धूप वगैरह पड़ रही है तो उसमें क्या होगा बहुत माइनर केस में हमारा इवेपोरेट होता है पानी, उसके कारण हमारा जैसे कि आप कह सकते हो कि शेडिंग कंक्रीट वर्क और मेम्ब्रेन कंक्रीट वर्क एक तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में पानी की हमारी लिमिटेशन होती है, इसमें पानी अगर हमारे पर कम है तभी हम इसे यूज़ करते हैं और हमारा क्या होता है यहाँ पे ये पानी बना रहता है और सनलाइट वगैरह जो पड़ती है धूप वगैरह से पानी इवेपोरेट नहीं होता है, जिसके कारण हमारा पानी बना रहेगा तो हमारी क्यूरिंग भी होती रहेगी। तो देखिए इसमें वाटर प्रूफिंग शीट आती है जो कि हमारी रहती है, ठीक है, इसमें वाटर प्रूफिंग शीट मतलब इसमें या वो वाटर प्रूफिंग शीट होती है जिसमें हम अपना पानी भी रखते हैं और उसको कोई इवेपोरेट नहीं होगा। फिफ्थ एंड लास्ट सिक्स हमारा जो है वो आएगा हमारा स्टीम क्यूरिंग। देखिए स्टीम क्यूरिंग में आता हूँ, स्टीम क्यूरिंग क्या होती है, स्टीम क्यूरिंग हमारी जो होती है जैसे कि हमारा ये जो हम यूज़ करते हैं हमारा जैसे कि कोई हमारी फैक्ट्री वगैरह का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस विधि में इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जल्दी से जल्दी हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है, कोई भी कंक्रीटिंग करनी होती है, जैसे एक कंक्रीटिंग कर दी फिर उसका तुरंत हमें कंक्रीट करनी है, तो इस केस में हम जो यानी जो स्टीम क्यूरिंग होती है इसको हम हॉट वाटरिंग क्यूरिंग भी बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, इसका सारा रोल जो होता है हमारा एक टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, जो उसका हॉट वाटरिंग टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 70 से लेकर 75 सेल्सियस तक होना चाहिए, और इसका केस अदर क्यूरिंग जो होती है उन क्यूरिंग के हिसाब से हमारा इसमें क्या होता है काफ़ी हमारा को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये क्यूरिंग जो बहुत जल्दी हमारी हो जाती है। जैसे हमने कहीं दूसरी अदर कंपनी 7 दिन कर रहे हैं तो ये हमारी कुछ घंटे में हमारी क्यूरिंग जो होती है 4 से 6 घंटे में हम क्यूरिंग करते हैं तो हमारी 60-70% जो स्ट्रेंथ होती है वो गेन कर लेती है। तो देखिए दोस्तों यही सब क्यूरिंग थी जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताना था, आई होप आपको सारी क्लियर होगी, और दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं।